आज हम रिव्यू करेंगे IQ 11 Pro 5G जो कि न्यू मॉडल है, अपकमिंग फ़ोन है, जो है सब चीज़ इसको बताएंगे कि आपको फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले इसकी प्रोसेसर की बात करेंगे, जो कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि और जो है इसमें डिस्प्ले जो है 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, और जो है इसमें 144 का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि बहुत ही गजब है। और गेमिंग तो इस पर धक्काड़ के मस्त चलने वाला है। पहले इसमें जो है रियर कैमरा जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है, जो कि 50 MP का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा दिया गया है, और दूसरा इसमें दिया गया है 50 MP का जो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और जो है इसमें तीसरा दिया गया है 13 MP का कैमरा, जो कि बहुत ही गजब है। फ़ोटो वोटो सब एकदम क्लियर मस्त आने वाला है। और जो इसमें फ्रंट कैमरे की बात करें, जो कि 16 MP का है, और इसमें जो है बैटरी की बात कर लेते हैं, जो कि 4700 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सही है। 5000 mAh वैसे इसको देना चाहिए था, लेकिन 4700 mAh कम दिया गया है। लेकिन इसमें फास्ट चार्जिंग किया गया है, फ्लैश चार्जिंग, जो कि 200 W का फ्लैश चार्जिंग दिया गया है, जो कि बहुत ही गजब है और एकदम से मस्त है। ये जो है 10 मिनट में फुल चार्जिंग कर देता है, 100% 0 से 100% जो है 10 मिनट में फुल चार्जिंग कर देता है।